तो व्यूअर्स, अभी मैं इस घर का जो है वक्त दिखाता हूँ। 40-50 में बना हुआ घर है, लेटेस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन। ये वन कलर कॉम्बिनेशन, अभी इसको कलर लगाने वाले हैं, आ जाएगा। सो अभी देखिएगा, वॉक करो, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। ऑल क्रेडिट गोज़ टू द हाउस ओनर, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर ऑफ दिस हाउस, थैंक यू सो मच। एंड विद कार पार्किंग के साथ बनाया हुआ है ये मेन गेट एंट्रेंस। एंड यहाँ पर आ जाता है स्टेप्स फर्स्ट फ्लोर को जाने के लिए, लफम वर्क भी हुआ है ऑलरेडी। एंड एलिवेशन टाइल्स डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल और सुपर डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ये भी पूरा काम, ये सीलिंग का काम हुआ है, पीवीसी सीलिंग वर्क और एक ग्रेनाइट डिज़ाइन। तो देखिएगा, लापत्रा हम यूज़ करते हैं, उसका एक एडवांटेज है कि स्लिप नहीं होता, डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर कचरा थोड़ा ज़्यादा बैठता समझिए, थोड़ा वो ही एक डिसएडवांटेज है, तो बाकी का सब कुछ बेस्ट है। एलिवेशन में एक विंडो, कार पार्किंग के लिए सफिशिएंट जगह दिया हुआ है। और ये आ जाता है इसका ये सिस्टम। फिर उसके बाद घर के अंदर चलते हैं। यहाँ से इधर जो है ना, इस तरह से स्टेप्स लिया गया, एक सेपरेट कपड़ा वॉश करने के लिए उधर जगह है। ये मेन एंट्रेंस घर के अंदर। तो फिर अंदर चलते हैं घर की तरफ। तो देखिएगा, हॉल जितना हो सके उतना आप अपना घर में थोड़ा सा बढ़ाई कर लियो। कहीं को बोले तो हॉल ऐसे एक चीज़ है, हॉल में इस तरह से कि अब सोफा सेट और एल शेप में सोफा बनाया गया, तो इसे काफ़ी जगह ज़्यादा ले लेता है। तो हॉल आप जितना उसके उतना थोड़ा सा बिगर साइज़ में बनाए तो ये बेटर रहेगा। अब हम सोचते हैं घर बांधने से पहले, अरे यार हॉल बहुत बड़ा हो गया एकदम, नहीं यार, अगर आप सोफा सेट कुछ और टेबल इस तरह से रखे बोले तो वो छोटा ही हो जाता समझो। सीलिंग का काम भी हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है लाइटिंग का वर्क। ये तो आपका हॉल एरिया। और लाइट कलर यूज़ किया गया है इसमें घर के अंदर। ये हॉल एरिया। अब हम चलते हैं किचन कम डाइनिंग एरिया में। ग्रेनाइट देखिएगा, ये ग्रेनाइट है, इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे एंट्रेंस पर। और किचन में ऐसा डाइनिंग एरिया। और फिर एंटर करते हैं घर की तरफ, ये कॉमन बाथरूम। विद सीलिंग के साथ। और फिर यहाँ से आता है आपका किचन प्लेटफॉर्म एरिया। और चलते हैं वापस ऊपर, सीलिंग भी इनबिल्ट सीलिंग, इनबिल्ट लाइट देगा, चार लाइट इसके अंदर है। ये हैंडल्स इसके अंदर ग्लास आ जाता है, ग्लास वर्क। तो ये था हॉल, डाइनिंग, किचन, कॉमन बाथरूम। अब हम चलते हैं मेन बेडरूम की तरफ। इधर एक बेडरूम, ये टीवी सेट एरिया यहाँ पर, ये चारकोल शीट, एंट्रेंस पर। अब हम चलते हैं राइट की तरफ। राइट की तरफ एक बेडरूम, ये प्लेन डिसेंट वाइट कलर यूज़ किया गया फुल। सीलिंग पैटर्न। तो देखो, बेडरूम पहले बड़ा ही लग रहा था, अब देखो ये बेड अगर आप एक कोने में लिए बोले तो जगह ज़्यादा मिलता, बीच में लिए बोले तो जगह मीडियम में मिलता, बट लुक वाइज ये अच्छा दिखता है, बेस्ट है आइडिया है डिज़ाइन। ये शेल्फ वर्क,
यहाँ पे भी ग्रैनाइट, ये सॉरी टाइल्स एलिवेशन। अब नेक्स्ट बचा हुआ है थोड़ा बहुत, कुछ प्लम्बिंग का काम बचा हुआ है। और है क्या, मास्टर बेडरूम उधर चलते हैं। ये वाला एक बेडरूम विद अटैच्ड वाटर बाथ, सीलिंग डिजाइन। विंडोज विंडोज को भी बंद रखा करिएगा, बारिश का पानी घर के अंदर आता देखो। स्टडी टेबल बच्चों के लिए, पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पर बैठ कर। ये भी बाथरूम सेम टाइल्स यूज किया, इधर भी अच्छा दिख रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।